सर लेट होना अच्छी बात नहीं है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार जुड़ेंगे सभी, सभी जुड़ेंगे एक बार फटाफट, है ना। चलिए, गुड मॉर्निंग अमित, भीमसेन, इंडियन भीमसेन। ओके अमित, गुड मॉर्निंग रमन, करण, आर्या, उदित, पंकज। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी जुड़ेंगे फटाफट। हमारा मशीन एक यंत्र तंत्र चलेगा अभी, है ना। चलिए, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। सुनील आई एम ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, राहुल मौर्या जी, गुड मॉर्निंग। सर, आपकी कोई न्यू एएलपी का बैच स्टार्ट हो गया क्या? सर प्लीज रिप्लाई। नहीं संदीप, ऐसा अभी वहाँ पे एएलपी का कोई भी बैच नहीं है ना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। 23 को बढ़ देते क्लास भी सर, 23 के बाद करा देते क्लास, अभी एग्जाम चल रहा है 6M का। कोई नहीं, आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख लेना, क्या दिक्कत है। दो चार क्लास रिकॉर्डेड में देख लेना, है ना, क्योंकि बहुत बच्चे सीरीज में लगातार चल रहे हैं। चलिए सेशन की करते हैं शुरुआत, बहुत बच्चे लगातार जुड़ गए हैं। सेशन की करते हैं शुरुआत। आज मैं देखूंगा इस मेजरमेंट के अंदर, है ना, मेजरमेंट के अंदर जो आज मैं टॉपिक देखूंगा कि लास्ट क्लास हमने आपको कहां पे छोड़ा था। लास्ट क्लास हमने आपको जहां पे छोड़ा था वहीं से मैं यहां पे आगे बढ़ने वाला हूं, ठीक है। चलिए, सर सिलेबस का वीडियो नहीं मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब रही बात कि कई बच्चे बोल रहे थे इसके कंप्लीट सिलेबस, सर कंप्लीट सिलेबस के एक वीडियो मैंने पहले डाल रखा है, यानी आज से तकरीबन 1 साल पहले, कि मेजरमेंट के अंदर कौन सा सिलेबस है, ठीक है। अगर बहुत बच्चों को लगता है कि सर ये जो सिलेबस कर रहे हैं इसको भी एक बार डील कर दीजिए, तो इस सिलेबस को मैं डील कर दूंगा लेक्चर जीरो के नाम से। मैं लेक्चर जीरो के नाम से सिलेबस एक अपलोड कर दूंगा, है ना, क्योंकि अब तो एक शुरू हो गया, ये तो दूसरा हो गया। सो लेक्चर जीरो एक होगा जिसमें मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में यहां डाल दूंगा कि उसका सिलेबस क्या है। सिलेबस को आपको मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है ना, कंप्लीट सिलेबस जिसको मैं लगातार किए जा रहा हूं। मशीन नहीं चलेगा आलोक कुमार, मशीन एक ग्रंथ में अभी ट्रांसफॉर्मर हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया, अब चलेगा डीसी, लेकिन डीसी चलेगा कुछ गैप के बाद, है ना, क्योंकि मैं किसी टॉपिक को छोड़ता नहीं, क्विट नहीं करता हूं। अगर एक ही साथ मैं मशीन करा दू सर्किट हो जाएगा, मेजरमेंट हो जाएगा, तो फिर मेरा बत्ती गुल हो जाएगा। आई होप यू नो वेरी वेल कि हर चीज को करने का एक वे होगा, तरीका होगा। उसी तरीके से हम चल रहे हैं, है ना। आपको जो भी कंटेंट मिलेगा वो 100% मिलेगा, ऐसा नहीं कि कोई क्रैश कोर्स करा रहा हूं और ये मेजरमेंट में आधा सीधा कराया आधा छोड़ दिया। नहीं, ट्रांसफॉर्मर जितना कराया उससे ज्यादा पढ़ ही नहीं सकते, और उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, है ना। इस तरीके से मैं आपको कराता हूं, ठीक है। चलिए सर, सर अपना में भी एएलपी, एएलपी के लिए दिन में बात करिए, एएलपी टेक्नीशियन के लिए दिन में 2 बजे क्लास आता है, उनको आप लोग ज्वाइन करिए, वो भी लाइव सेशन रहता है। एएलपी टेक्नीशियंस के लिए स्पेशली इलेक्ट्रिकल के लिए लाइव क्लास चल रहा है और वो लगातार चलेगा, ठीक है, दिन के 2 बजे। चलिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा क्लास कब लगेगा? सब चल रहा है जी, सब चल रहा है। चलिए चलिए सेशन ही करते शुरुआत। अब मैं बात करूं, अब टाइम नहीं गवाएंगे, सभी जुड़ जाएंगे धीरे धीरे। दिलीप, जॉन, पूनम यादव, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए अमित, चलिए सभी जुड़ चुके हैं ऑलमोस्ट, हम आगे बढ़ते हैं। सर लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या कराया था? अगर लास्ट क्लास की मैं बात करूं तो लास्ट क्लास में आपने देखा था कि मैंने बोला कि पीएमएमसी एक इंस्ट्रूमेंट है, एडी टाइप का हमारा इंस्ट्रूमेंट होगा, एमआई टाइप का होगा, और हर इंस्ट्रूमेंट में आपको 3 टॉर्क देखने को मिलेगा, दैट इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क एंड सर डैम्पिंग टॉर्क। 3 तरीके के टॉर्क, ध्यान रखिएगा सर, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डैम्पिंग टॉर्क एंड कंट्रोलिंग टॉर्क, इनकी भी चर्चा आपको ध्यान रखना है, तीनों टॉर्क। और आज उसी की क्लास होगी, नंबर वन, वेट अ सेकेंड, नंबर वन, नंबर टू और नंबर थ्री। ये है क्या, ये उत्पन्न कैसे कराए जाते हैं, एक ओवरव्यू बताया कि क्या देने पे क्या उत्पन्न होता है। डिफ्लेक्टिंग, सर आप सप्लाई देते हो तो सबसे पहले डिफ्लेक्शन होता है पॉइंटर के बीच, एक बार रिव्यू करते हैं लास्ट क्लास को, एक बार रिव्यूज करते हैं। दूसरी बात सर, उसको स्प्रिंग कंट्रोल करता है, स्प्रिंग क्या करता है, कंट्रोल करता है, और उसके अंदर एक अरेंजमेंट देते हैं जो डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस करता है, वो पॉइंटर के ऑसिलेशन को स्मूथ करता है, एक जगह रोकता है,
ये तीनों टॉर्क की चर्चा आज होगी, तीनों टॉर्क की चर्चा आज होने वाली है, ठीक है। तो उन्हीं की चर्चा हम करेंगे यहां पर। अब देखिए इस क्रम में, हालांकि अभी उसकी नीड नहीं होगी, लेकिन जैसे इस लेक्चर के बाद आप स्टडी करोगे तो तीन चार पॉइंट्स का आप ध्यान रखना जो बेसिक है, जो हम 10 12 में पढ़ते हैं। हालांकि एक वीडियो मैंने उस पर भी बना रखा है, क्या कि सर फेराडेज लॉ क्या होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के क्या कंडीशन होते हैं, सर फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल क्या होते हैं, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल क्या होते हैं, थंब रूल क्या होते हैं, एंड लेंज लॉ क्या होता है। ये पांच चीज आपको दिमाग में रखना है हमेशा, ये क्योंकि मशीन में भी काम आता है, ये चीज मेजरमेंट में भी आएगा। सो ये पांच जो थ्योरम्स है, इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, इनकी जानकारी आपको अच्छे से होना चाहिए। हालांकि एक वीडियो में ऑलरेडी इनको डिस्कस कर रखा हूं, फिर भी अगर ऐसा आपको लगता है कि नहीं होगा सर, तो एक लेक्चर में इसको भी करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी उसकी नीड नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग इसका ध्यान रखेंगे हमेशा। गुड मॉर्निंग अमन जी, गुड मॉर्निंग। चलिए मौर्या जी, गुड मॉर्निंग। सो चलिए आज हम इन तीनों टॉर्क के बारे में चर्चा करेंगे कि ये किसी इंस्ट्रूमेंट में कैसे उत्पन्न होता है। अब मैं बताता हूं, है ना, कि मैं अब स्टडी क्या करने वाला हूं। आइए, यहां पे मैं स्टडी करने वाला हूं क्या, कि ये जो टॉर्क है ये उत्पन्न कैसे हो रहा है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग और डैम्पिंग उत्पन्न कैसे होता है। आइए और अच्छे से समझ लीजिए, एक बार और अच्छे से समझिए सर। एक्चुअली होता क्या है, अगर इसको जैसे ही आप इंस्ट्रूमेंट को सप्लाई दोगे, ये वोल्टमीटर है, इसको जैसे ही इसमें तार लगा होगा, उसका स्विच जैसे ही ऑन करूंगा, सबसे पहला काम क्या होगा कि पॉइंटर अपने पॉइंट से डिफ्लेक्ट करना शुरू करेगा। सबसे पहले ये पॉइंटर आगे की ओर मूव करेगा, और मान लो 2 एम्पियर 2 वोल्ट है तो 2 वोल्ट पे जाके रुक जाएगा, अगर 200 वोल्ट है तो 200 वोल्ट पे रुक जाएगा। यही एक तरीका होता है किसी इंस्ट्रूमेंट का, ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले आपने जो करंट दिया, तो सबसे पहला क्या काम लिया आपको, डिफ्लेक्शन मिला सर। जैसे ही आपने करंट दिया तो आपको क्या मिला, डिफ्लेक्शन मिला, है ना। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, फिर कोई स्प्रिंग था जो रोक रहा है, और एक है डैम्पिंग टॉर्क। तो इन्हीं की चर्चा होगी। तो आज का टॉपिक मैं लिख देता हूं, फिर और अच्छे से समझेंगे इसको। पहला लिखूंगा मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस, मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस डैम्पिंग टॉर्क इन एन इंस्ट्रूमेंट। आज की जो स्टडी का पॉइंट है आज, कि ऐसा क्या मैकेनिज्म हम यूज करते हैं जो किसी इंस्ट्रूमेंट में टॉर्क उत्पन्न हो जाता है, यानी घूमने लगता है। सपोज दैट, एक छोटी सी बात करूं कि सर अगर आपका, आपके घरों में एक स्विच है, आप सिर्फ इसको क्या करते हो, टिपते हो, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी यहां से कनेक्शन जाता है, आपके घरों का फैन मूव करने लगता है। मतलब एक सिंगल क्लिक में आपने जैसे ही स्विच किया, सबसे पहला इसका काम आपका क्या होता है, रोटेशन हो जाता है। यानी अगर आप घरों में भी देखते हो, एक तरीके से ये इंस्ट्रूमेंट भी क्या है, एज ए मोटर एक्ट कर रहा है, सप्लाई देने से मूव कर रहा है। सिमिलरली आपके घरों के फैन में भी अगर आप सप्लाई देते हो, तो सबसे पहला उसका क्या होता है, रोटेशन। तो क्या अगर मैं सप्लाई देता हूं तो आपको लगता है कि एक्चुअली होता क्या है सर, सप्लाई देने से करंट लूप बनाता है और इलेक्ट्रॉन्स कहीं तो फ्लो होता है, तो क्या इलेक्ट्रॉन्स खाली घुमा देगा इसको, नहीं सर, सिर्फ सप्लाई देने से इलेक्ट्रॉन्स उसको नहीं घुमा सकता, ध्यान से समझिएगा सर। सिर्फ अगर मैं सप्लाई दे दूं तो उसको इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करा सकता, तो उसके लिए एक मैकेनिज्म ऑलरेडी बैठा रहता है। यहां पे हम एक मैकेनिज्म सेट कर रखे होते हैं, जिसके कारण, यानी कहीं ना कहीं मैग्नेटिक इफेक्ट भी यहां पे रखा जाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट, और इन इलेक्ट्रॉन्स और मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण आपका मूवमेंट होता है। ये इसका क्या होता है, मूवमेंट होता है। ओके, तो यही पहला चीज आपको देखना है कि सर मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस डैम्पिंग, नॉट डैम्पिंग, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ना, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ओके, डिफ्लेक्टिंग, पहला टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। आइए कौन सी टॉर्क की बात कर रहा हूं, सबसे पहले डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, इसको कैपिटल टी स्मॉल डी से डिनोट कर रहा हूं।
टीसी अगर बात करूंगा तो टी और सी कंट्रोलिंग टॉर्क, और डैम्पिंग टॉर्क को टी और कैपिटल डी को यहां पे मैं बोलूंगा डैम्पिंग टॉर्क। ओके, ये तीन तरीके के टॉर्क होंगे। तो मैं बात करता हूं कि सर ऐसा इंस्ट्रूमेंट के उस या कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो उसमें क्या ऐसा अरेंजमेंट यूज कर लें जिससे कि उसमें टॉर्क उत्पन्न होता है, यानी पॉइंटर मूव करता है। एक नॉन टेक बच्चा, कोई आर्ट्स का बच्चा है, उसको बोलेंगे बताओ ये पॉइंटर कैसे घूमता है, तो वो कहेगा सप्लाई दिए तो घूम रहा है। वो तो इससे ज्यादा बोल नहीं सकता है, सप्लाई दिए हो सर तो ये घूम रहा है, वो तो इतना ही बोले, बोलेंगे ये क्यों घूम रहा है, तो बोलेगा सप्लाई दिए इसलिए घूम रहा है। लेकिन एक इंजीनियर का जवाब कुछ और होगा कि इसके अंदर आखिर क्या मैकेनिज्म यूज किया गया कि सप्लाई देने के बाद मोशन आ जाता है। सो ये मैकेनिज्म पढ़ना है, और ये जो मोशन आता है किसी इंस्ट्रूमेंट में तो पहला टॉर्क को ही क्या बोलते हैं सर, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। क्या बोलते हैं जी, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। इसी के बारे में जानकारी चाहिए अभी पहला, फिर दूसरा पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऐसा क्या है, कौन कौन से मैकेनिज्म है जो उसको कंट्रोल करता है, रोकता है, यानी आगे मत घूमिए, यानी एक मोटर नहीं बनना आपको, रोकना है किसी पॉइंट पे। तो हमने कल एक एग्जांपल में ये भी बताया था कि उसके लिए हम स्प्रिंग इस्तेमाल करते हैं। तो क्या सिर्फ स्प्रिंग ही है ऑप्शन, या और भी कई ऑप्शन है जिससे कंट्रोलिंग टॉर्क उत्पन्न किए जा सकते हैं? तो मैकेनिज्म टू जो पढ़ेंगे वो कंट्रोलिंग टॉर्क के रिगार्डिंग पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे कि क्या डैम्पिंग टॉर्क के लिए सिर्फ एडी करंट ही ऑप्शन है या भी और भी कोई ऑप्शन है, तो उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो किसी इंस्ट्रूमेंट को पढ़ने से पहले ये तीनों टॉर्क मुझे पता होना चाहिए, किसी इंस्ट्रूमेंट को स्टडी करने से पहले ये तीनों टॉर्क पता होना चाहिए। चाहे एनर्जी मीटर की बात करेंगे, सप्लाई देंगे तो डिस्क घूमेगा, टॉर्क हुआ पहला टॉर्क। सर वाट मीटर की बात करेंगे, सप्लाई देंगे तो पॉइंटर घूमेगा। तो कहीं ना कहीं सप्लाई डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का। क्लियर? तो उन्हीं चीजों की चर्चा होगी। चलिए 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 शो, तो उसी चीज की चर्चा होगी। तो कहते हैं ठीक है, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो इसकी स्टडी कर लेते हैं एक बार, अगर ऐसी ही बात है तो इसकी एक बार स्टडी करते हैं। एकदम बारीकी से सोचिए, है ना, अच्छे से दिमाग से, भागना नहीं है, हबर हबर नहीं करना है, वेट अ सेकेंड। चलिए, तो ये मैकेनिज्म के दौरान पहला पॉइंट उत्पन्न होता है क्या, पहला पॉइंट कि आखिर इस इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि आपका डिफ्लेक्शन होने लगता है। तो पहला कहता है when a current carrying conductor passes through a magnetic field, जब कोई करेंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें करंट का पास कर रहा हो, पासेस थ्रू या प्रेजेंट इन, आप ये कह सकते हो पासेस थ्रू या व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्रेजेंट इन मैग्नेटिक फील्ड, देन वो जो कंडक्टर होता है ना वो अनुभव करता है एक फोर्स। वो कंडक्टर क्या अनुभव करता है जी, एक फोर्स अनुभव करता है। देन ए कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड, देन कंडक्टर एक्सपीरियंस ए फोर्स, एक्सपीरियंस ए फोर्स, सो कंडक्टर एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो कहीं ना कहीं एक मैग्नेटिक फील्ड के, यानी एक मैग्नेट के इर्द गिर्द अगर किसी कंडक्टर में करंट को पास कराते हो तो वो कंडक्टर अपने आप में एक बल महसूस करता है, है ना। जैसे आपने 10th में 12th में पढ़ा है कि F बराबर NBIL करके, है ना, कि किसी मैग्नेटिक फील्ड के इर्द गिर्द अगर कोई कंडक्टर है तो उसका कोई मोल नहीं है, लेकिन उस कंडक्टर में करंट गुजार दे तो वो कंडक्टर क्या करता है, एक फोर्स महसूस करता है, यानी उसमें मूवमेंट आ जाएगा। ये प्रोसेस है
कहीं पर हम डिफ्लेक्टिंग, इसी प्रोसेस से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस कराते हैं। यानी इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या हो रहा होता है, ध्यान से समझिए, एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या हो रहा होता है, आप ये लगा लो कि एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर आप ये लगा लो सर, एक इंस्ट्रूमेंट है ना, यहाँ पे एन पोल और एस पोल ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, एक एन पोल और एक्स पोल ऑलरेडी प्रेजेंट है, और तो ऑब्वियसली यहां पे क्या होगा सर, मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहां पे क्या होगा सर, मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये देखिएगा एन टू एस एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, ध्यान से समझिएगा, एकदम बारीकी से समझिए चीजों को। तो N टू S ये मैकेनिज्म ऑलरेडी वो मैं इंस्ट्रूमेंट में ये काम चल रहा है, मगर मान लो कि N पोल S पोल अगर मैंने रख दिया तो ये इंस्ट्रूमेंट के अंदर लगातार चल रहा है। अब क्या होगा, अब क्या होता है, अगर इसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर आप एक क्या करो, करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी एक ऐसा कंडक्टर, ये लो मैं कर दे रहा हूं इसको अच्छे से, एक ऐसा कंडक्टर, ये रहा आपका कंडक्टर, ठीक है, वेट अ सेकेंड, ये एक कंडक्टर की मैं बात करूं, है ना, चलिए इस कंडक्टर की मैं बात करूं, ये एक कंडक्टर है, तो सिर्फ एक कंडक्टर को रख देने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक कंडक्टर को रख देने से कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही ध्यान से समझिएगा एकदम बिल्कुल बारीकी से, लेकिन सर जैसे ही इस कंडक्टर में क्या करते हैं, करंट फ्लो कराते हैं, जैसे ही इस कंडक्टर में हम क्या करेंगे, बाहरी से, जैसे किसी इंस्ट्रूमेंट को करंट देते हो ना, वैसे ही इंस्ट्रूमेंट को अगर आपने करंट दिया है तो इस करंट कंडक्टर में क्या होगा सर, फ्लो ऑफ करंट होगा, जैसे ही इस कंडक्टर में आपने क्या किया, करंट दिया, तो इंट्रैक्शन बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड ये क्या महसूस करता है सर, ये क्या महसूस करता है, एक फोर्स महसूस करता है, फोर्स महसूस करता है, क्या महसूस करता है, एक बल महसूस करता है। अब सोचिए कि किसी कंडक्टर, अगर कोई कंडक्टर फोर्स महसूस करता है और उसको इस तरीके से अरेंज किया गया हो, कि इसी में रखे, ये मान लो कोई क्वाइल ऐसे होता, मान लो इसमें मैं कहता हूं कोई यहां पे कोई एक मैं पार्ट रख देता, वेट अ सेकेंड, इस किसी पे इसको रख देता, किसी पे इसको रख देता, तो इसमें मोशन अगर आएगा और मैं कहूं इसी से हमारा पॉइंटर अगर अटैच होता, ध्यान से समझिएगा एकदम बारीकी से ध्यान से समझिएगा, अगर मान लो इसमें मोशन आएगा और इसमें अटैच में एक कोई ऐसा पार्टिकल अटैच कर दिया प्लास्टिक की और उससे पॉइंटर अटैच है, तो सर अगर इसमें मोशन आएगा तो पॉइंटर मूव करेगा ना, तो कुछ ऐसा ही मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू हम इंस्ट्रूमेंट में टॉर्क प्रोड्यूस कराते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई पोल मतलब मैग्नेटिक फील्ड के इर्द गिर्द कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर रखा जाए तो ऐसे कंडीशन में उस कंडक्टर में क्या होता है सर, एक फोर्स डेवलप होता है, एक टॉर्क, और फोर्स क्या है, टॉर्क है सर, फोर्स क्या है, अपने आप में क्या है, टॉर्क है, फोर्स क्या है जी, फोर्स उत्पन्न हुआ इसका मतलब टॉर्क उत्पन्न हुआ, फोर्स उत्पन्न हुआ इसका मतलब क्या है जी, टॉर्क उत्पन्न हुआ, तो यही सिस्टम तो है कि मैं इंस्ट्रूमेंट में, यहां पे देखिए कहां गया इंस्ट्रूमेंट, वेट अ सेकंड, यहां पे देखिए एक बार, यानी किसी इंस्ट्रूमेंट को जैसे हमने सप्लाई दिया, स्विच ऑन किया, पहला काम डिफ्लेक्शन का हुआ, यानी एक करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी जैसे ही आपने करंट दिया, इस कंडक्टर में एक मोशन आता, वो अरेंजमेंट इस तरीके से रखते हैं कि घूमने लगेगा, अभी तो आपको लगा कि ये कैसे घुमाएगा पॉइंटर को, सो अरेंजमेंट इस तरीके से रखते हैं वो उसको घुमाने लगता है, और यही पहला रिस्पॉन्स करंट को देने से जो पहला रिस्पॉन्स डेवलप होता है इंस्ट्रूमेंट में, दैट इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, यही प्रोड्यूस करता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, और इस टाइप का मैकेनिज्म सर पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में यूज किए जाते हैं, ऐसा मैकेनिज्म पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में क्या करेंगे, ऐसे ही एक परमानेंट मैग्नेट रख दिया जाता है और जो क्वाइल होता है उसको घूमने के लिए फ्री छोड़ दिया जाता है, जैसे उसमें सप्लाई देते हैं क्वाइल में, ये मोशन करने लगता है, घूमने लगता है सर्कुलर वे में, और उस पर अटैच होता है पॉइंटर, तो पॉइंटर भी क्या करता है जी, घूमने लगता है जस्ट लाइक दिस, इसी के जैसा ऐसा होने लगता है। तो ये एक तरीका है
किसी इंस्ट्रूमेंट में टॉर्क उत्पन्न कराने का। ध्यान से समझिए, ये एक तरीका है, यानी तरीके और भी हैं, तो ये भी एक तरीका है जिससे कि क्या करते हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट में टॉर्क उत्पन्न कराते हैं। कौन सा टॉर्क सर? टॉर्क तो बहुत सारा है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमेशा किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है? आपके इनपुट करंट के रिस्पॉन्स। इनपुट करंट जैसे आप दोगे तो सबसे पहला टॉर्क होगा, रिस्पॉन्स करेगा ये डिफ्लेक्शन। क्या करेगा जी? डिफ्लेक्शन। जैसे करंट दोगे डिफ्लेक्शन, करंट दोगे डिफ्लेक्शन। क्लियर है? चलिए, आई होप क्लियर होना चाहिए। सबसे पहला काम यही होता है, और पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में इसी टॉर्क का इस्तेमाल किए जाते हैं। एक सेकंड, मैं एग्जांपल के तौर पे भी बताऊं, अगर मैं आप देखोगे एक बार एग्जांपल के तौर पे भी मैं दिखाऊं आपको। एक सेकंड के लिए देखना, वेट अ सेकेंड। ये देखिएगा, एक बार देखेंगे यहां पर, एक बार देखेंगे आप सभी। आइए जी, चलिए, आई होप क्लियर है सभी को। अब मैं एक बार पहले देख लेता हूं, ये पोल था, यहां पोल था। मान लो अगर यहां कोई कंडक्टर नहीं है तो सिर्फ फील्ड चलेगा, N2S सिर्फ क्या चलेगा जी? फील्ड। अगर यहां पे कोई कंडक्टर नहीं रहता तो N2S सिर्फ फील्ड चलता। लेकिन जैसे ही किसी कंडक्टर में आपने क्या किया जी, करंट फ्लो करा दिया, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर, ये कंडक्टर है जो कि करंट को कैरी कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा जी? मोशन होगा। इसमें क्या हो जाएगा जी? अगर इसको साथ में रखा जाए तो ये घूमना शुरू कर देगा। तो यहीं पे एक टॉर्क डेवलप हुआ, और यही तो है डिफ्लेक्शन कराने का एक तरीका। सो ये भी एक तरीका है जिससे किसी कंडक्टर को मोशन दिया जा सकता है, टॉर्क दिया जा सकता है। ओके, बाय अरेंजमेंट दिस। नाउ अब टॉर्क का क्या डायरेक्शन है, ये आगे हम पढ़ते हैं। जैसे फ्लेमिंग लॉ के थ्रू इस टॉर्क का डायरेक्शन का पता लगा लेते हैं ना, कि टॉर्क किस डायरेक्शन। अगर मान लो करंट इधर से गुजारा, फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो फ्लेमिंग लॉ ये बता देगा कि इस कंडक्टर में टॉर्क ऊपर की ओर डेवलप होगा या फिर नीचे की ओर, ये तो लॉ बताएगा। लेकिन अभी अपने को तो लॉ नहीं पढ़ना ना, अभी तो अपने को ये देखना है कि हाँ टॉर्क उत्पन्न कराया जा सकता है, इसका डायरेक्शन नीचे हो या ऊपर, वो तो हम जब पढ़ेंगे उस इंस्ट्रूमेंट को बढ़िया से, उसको वर्किंग वगैरह, तब वहां पर उसको डिस्कस करते हैं। क्लियर है? तो आई होप ये चीज क्लियर होगा सभी को, एक बार बताएंगे। अगर क्लियर है तो थम्सअप करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्लियर होगा आई होप, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, या थम्सअप करिए क्लियर है तो। क्लियर है तो थम्सअप करिए। शांतनु जी क्लियर है? पूनम बिल्कुल क्लियर है? चलिए जी, चलिए क्लियर है, फिर मैं आगे बढ़ूं। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस कराने का ये एक तरीका हुआ, तरीका नंबर एक। चलिए सभी को क्लियर है? चलिए चलिए, तरीका नंबर दो। और ऐसे कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू टॉर्क उत्पन्न कराया जाता है? क्योंकि आपको पता है ऐसा मैकेनिज्म तो सिर्फ पीएमएमसी में होता है, और सिर्फ डीसी को मापता है, तो फिर और भी तरीके आपको ढूंढने होंगे। वो तरीका कुछ इस तरीके से है, जो हम इसका बी पार्ट कराएंगे। अभी ए कराया, नेक्स्ट बी पार्ट, फिर सी पार्ट कराएंगे। कोशिश करिए आप लोग स्ट्रेंथ को ज्यादा रखिएगा मेंटेन, ताकि ज्यादा बच्चे इसको सीख पाए अच्छे से। मुझे पता है कि मैं इतने बेसिक चीजों को स्टार्ट करता हूं कि कोई भी बच्चा अच्छे से लर्न कर सकता है, ताकि हर बच्चे तक ये डाटा पहुंचे, वो अच्छे से स्टडी कर पाए। चलिए जी, दूसरा तरीका, दूसरा ऐसा कौन सा तरीका है बी, दूसरा ऐसा कौन सा तरीका है कि और भी दूसरे तरीके से भी हम टॉर्क को उत्पन्न करा सकते हैं। एक तरीका तो हो गया, और ये भी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उत्पन्न कराने के ही तरीके हैं। ध्यान रखिएगा, संख्या को भी ध्यान रखिएगा इन चीजों का, क्योंकि इनका बड़ा रोल होता है। एक के अंदर ए बात कराऊं तो एक के अंदर बी करूंगा तो सारी बात कहीं ना कहीं डिफ्लेक्शन, एक के अंदर सी की बात करूं तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की बात हुई, दूसरे के अंदर फिर शुरू होगा ए बी से, ठीक है ना। चलिए, यू आर ग्रेट सर। ओके साहू जी, थैंक यू। ग्रेट तो नहीं, पर मेरी कोशिश होती है कि आप जहां तक लर्न करेंगे
हम सिखाने की कोशिश करते हैं। नौ, दूसरी चीज, दूसरी बात, चलिए when two current carrying conductor when two current carrying conductor wound when two current carrying conductor wound wound on a magnet and they attract each other or repel each other hence टॉर्क प्रोड्यूस। अब दूसरी बात कहते हैं कि क्या, देखिएगा, कहते हैं कि क्या कि अगर दो करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी क्वाइल, किसी आयरन पे या ना लोहे पे या नहीं भी लपेटेंगे तो कोई बात नहीं, दो क्वाइल हो और दोनों करंट कैरिंग हो, है ना। अब की बात क्या कह रहा है कि दो क्वाइल हो और दोनों में करंट गुजर रहा हो तो इनके कारण ऑब्वियसली आपको पता है मैग्नेट उत्पन्न हो जाएगा। दोनों के अंदर क्या होगा, अगर ये यहां पे एक क्वाइल लपेटा हुआ है, इसमें भी आपने करंट दे दिया और यहां भी एक क्वाइल लपेटा हुआ है, इस पे भी सप्लाई दिया तो दोनों पोल का निर्माण करेगा। कौन सा पोल बनाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। कैसा पोल, इलेक्ट्रिकल सप्लाई बना के, इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे के जो भी पोल बनाते हैं उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट पोल कहते हैं। तो अगर दो कंडक्टर है जो वाउंड किया हुआ है, लपेटा हुआ है किसी कोर पर और उसमें हमने सप्लाई दिया तो दोनों अपने आप में क्या बना देगा, मैग्नेट। दोनों अपने आप में क्या बना लेगा सर, मैग्नेट। अब इनके कारण मान लो इसमें ऐसा सप्लाई दिया कि यहां एन पोल बना है, इसमें ऐसा सप्लाई दिया है, वाइंडिंग ऐसे कर रखा है कि यहां एस बना है, तो मान लो एक पॉइंट यहां एक को फिक्स कर दिया और एक को घूमने के लिए छोड़ दिया, तो अगर मान लो यहां पे अगर स्वतंत्र अवस्था में है, ध्यान समझिए, अगर इसमें कोई सप्लाई नहीं दिया तो अभी ये यहां पे ऐसे अस्थिर पड़ा हुआ, लेकिन जैसे इसमें सप्लाई मैं दूंगा तो ये क्या खिंचाएगा, एन से एस की ओर। अगर ये एन है, अगर ये एस है तो एन एस आपस में अट्रैक्ट होगा, तो एक तरीके से सप्लाई देने से इसमें भी क्या आ रहा है, मोशन आ रहा है, क्योंकि फील्ड आपका उत्पन्न हुआ और एन टू एस आपस में अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी एक तरीका है जिससे क्या होता है, टॉर्क डेवलप होता है। मतलब तरीका मैं बता देता हूं, आप समझते जाइए, एक बार मैं तरीका बताता हूं कि सपोज दैट मैं कहता हूं ध्यान से, दोनों को बना लेता हूं, आइए जी दोनों को बनाता हूं, ध्यान से समझिएगा। एक कंडक्टर है, ये हमने मान लो कोर ले रखा है, अगर किसी को ध्यान नहीं है समझने के लिए मैं कहता हूं कोई कोर ले रखा है, ये भी कोर ले रखा है और कोई आयरन का कोर है, मान लो ये सिर्फ कहता हूं लोहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब इस कोर के साथ कुछ छेड़छाड़ करेंगे, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट बनाना है, इंस्ट्रूमेंट में लोहा रखने से काम चलेगा नहीं, तो आपको उसमें कहीं ना कहीं क्वाइल लपेटना पड़ेगा, तो एक क्वाइल हमने कुछ इस तरीके से लपेटा, और दूसरे कोर की ओर बढ़ा मैं, और इस बार मैं ना इसमें उल्टा सपोज दैट यानी अरेंजमेंट ऐसा कुछ कर देता हूं, इस तरीके से लपेटा इसको, ठीक है, और इसके तार को
मैं यहां से बाहर लेके आता हूं। अब देखिएगा मामला को, देखिएगा अब दूसरा तरीका क्या है कि डिफ्लेक्शन उत्पन्न हो, यानी मैं जैसे ही सप्लाई स्विच ऑन करूं तो मोशन आए कुछ ना कुछ। आइए क्या करता हूं, एक कोर रखा, हमने दो कॉइल रखे, यहां पे एक कॉइल है C1 और दूसरा कॉइल है C2। अभी जब तक इसमें कोई करंट अगर मैं जीरो देता हूं तो अभी ये तो पोल का निर्माण किया नहीं, कोई इंटरेक्शन नहीं होगा दोनों के बीच, ठीक है। तो हमने क्या किया, कॉइल तो बना दिया, तो क्या बोला, अगर टू करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर दो करंट कैरिंग कंडक्टर या कॉइल, तो यानी अभी कोई करंट कैरी नहीं कर रहा। जैसे मैं स्विच को ऑन करूंगा, मैं जैसे ही स्विच को ऑन करूंगा, मान लो अब सप्लाई लगा दिया यहां पर, ओके, जैसे ही स्विच को ऑन करूंगा, जैसे ही स्विच को ऑन करूंगा, करंट का फ्लो हो जाएगा। तो करंट अब जीरो ना होके करंट का कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू हो जाएगा। जैसे ही करंट को स्विच ऑन करूंगा, करंट फाइनाइट होगा। अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर बन जाएगा, एक ये और एक ये, एक ये और एक ये, दोनों क्या हो जाएगा, करंट कैरिंग कंडक्टर बन जाएगा। और जब ये करंट कैरिंग कंडक्टर बनने लगेगा, तो मान लो कि मैं कहता हूं यहां एन पोल का निर्माण किया और यहां एस पोल का निर्माण किया। यहां एन पोल का निर्माण करेगा, टेम्पोररी पोल बनाएगा, है ना, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट पोल, जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई देने से पोल बना। और यहां पे मैंने वाइंडिंग उल्टा कर दिया, सपोज दैट, तो यहां बनाएगा एस और यहां बनाया एन। यानी किसी पोल पर, ध्यान से समझिएगा, कहीं भी हम एन एस अपने वाइंडिंग को उल्टा और सीधा करके पोल का डायरेक्शन चेंज कर सकते, कभी एन इधर कर सकते, कभी इधर कर सकते, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर सकते, वाइंडिंग उल्टा और सीधा करके कर सकते। सो किसी पोल पर ऐसा फिक्स मत समझना जहां पे कंडक्टर दिए वहीं हमेशा एन बनेगा, नहीं, ये हमारे अकॉर्डिंग निर्भर करते हैं कि किसी कॉइल पर। एक बार ध्यान से समझ लिए, अगर बेसिक बातें कहीं कंफ्यूज करता हो, ऐसा नहीं है कि हमेशा वाइंडिंग अगर जहां करे तो यहां हमेशा एन पोल बनेगा या एस, ऐसा कोई फिक्स नहीं है सर। आपका निर्भर करता है कि अगर यहां इस डायरेक्शन से एन बन रहा है तो वाइंडिंग उल्टा दूं तो यहां एस भी बन जाएगा। तो ये हम पे निर्भर करता है कि हम कैसे वाइंडिंग को लपेटे, डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा दे, उनसे भी पोल का डायरेक्शन चेंज होता है, ये चीज क्लियर होना चाहिए। और इसी को बोलते हैं ऐसा वाइंडिंग जिसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं, क्या, इलेक्ट्रिकल सप्लाई, अगर ऐसा वाइंडिंग इलेक्ट्रिकल सप्लाई जिसको आप देते हो, इलेक्ट्रिकल सप्लाई देने से, ध्यान से समझिए एकदम बारीकी से, कोई ऐसा कोर, ये आयरन कोर है, लोहे का कोर है, आयरन है, है ना, ऐसा कोर जिस पे वाइंडिंग करके आप इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हो, तब ये पोल जो निर्माण करता है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट पोल। क्या बोलते हैं जी, इलेक्ट्रो, चूंकि इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिया, इलेक्ट्रो मैग्नेट पोल, है ना, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट पोल। तो आगे, अब इस इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो वर्ड आगे यूज होगा जब इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, ओके। नाउ चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बच्चे लाइव हैं लगातार, मैं कोशिश करता हूं कम से कम 50 बच्चे इसी तरीके से लाइव रहे, जिससे मुझे भी पढ़ाने में काफी मजा आएगा। और आप लोग भी यकीन मानिए, अगर इस लेवल से पढ़ाई कर लेते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एकदम आराम से फिर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि इससे ज्यादा और कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। JEE लेवल में कुछ नहीं करना, काफी सफिशियंट हो जाएगा इस डाटा को अगर आप कलेक्ट कर लेते हो तो, ओके। नाउ अगर मैं बात करूं ना कि सर अगर आपने करंट यहां पे सप्लाई दे दिया तो पोल का निर्माण हुआ, अब देखिए एक एन है, यहां एस है, अब इसका अरेंजमेंट इस तरीके से हम कर देते हैं कि जैसे ही आपने सप्लाई दिया यहां तुरंत से बना एन, इधर बना एस, जैसे ही आपने सप्लाई दिया यहां बना एन, यहां बना एस, ये क्या करेगा, इसको ऐसे फ्री मोशन में रखते हैं कि इसके, इसको खींचने लगता है, ये इसके करीब जाएगा, इट्स, ये इसको खींचेगा, क्या करेगा जी, इस पर एक टॉर्क डेवलप होगा, क्या होगा जी, टॉर्क, क्योंकि जैसे ही आपने सप्लाई दिया, जैसे ही आपने सप्लाई दिया, ये इसको खींचने का कोशिश करेगा, ये ऊपर और ये नीचे, इसमें ये अपन है स्क्रू यहां पे डालते हैं, है ना, स्क्रू यहां पे डालेंगे तो ये नीचे और खींचा जाएगा और ये ऊपर की ओर। और मान लो अगर आप ऐसा अरेंजमेंट मान लो कि इसी में पॉइंटर मैंने अटैच कर रखा, जबकि डायरेक्टली पोल से अटैच नहीं करेंगे, लेकिन इसी के मैकेनिज्म कुछ ऐसे कर रखा कि इसी से हमने आपका अगर पोल अटैच किया हुआ है, इसी से हमने अगर पोल अटैच किया हुआ है तो बताइए ये आगे की ओर मूव करेगा कि नहीं, है ना, जैसे ही आपने सप्लाई दिया ये इसको खींचेगा ऊपर और ये फटाफट आगे की ओर भागेगा। तो बताइए इस तरीके से ये स्केल बना दिया ना, यही तो है स्केल आपका, है ना, पॉइंटर बनाना, यानी एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें सप्लाई आपने दिया और दो करंट कॉइलिंग कॉइल बन गए और इसके कारण क्या हुआ,
पॉइंटर डिफ्लेक्ट होता है, यानी कहीं ना कहीं इस मैकेनिज्म अरेंज किया आपने इसको इस तरीके से अरेंज किया कि पॉइंटर अपना आप डिफ्लेक्ट करेगा। ओके तो अभी सारे टॉर्क जो है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की स्टडी कर रहे हैं ना, कि डिफ्लेक्शन किस तरीके से होगा, ठीक है ना, कितना डिफ्लेक्शन होगा उनकी चर्चा हो रही है, 0, 1, 2 इस तरीके से, ठीक है ना। तो अभी इनकी चर्चा होगी कि किस तरीके से डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये भी एक तरीका है, 1, 2 करेंट कैरिंग कंडक्टर, अगर दो करंट कैरिंग कंडक्टर को एक साथ नियर बाय में रखा जाए और उस पर सप्लाई दे, मतलब उस पर सप्लाई तो होता ही है, तो इन दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, टॉर्क। तो इस तरीके का मैकेनिज्म यूज किए जाते हैं, और जोर कहां पे होता है, जब हम इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे EMMC। अगर आप क्वाइल पढ़ोगे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट पढ़ोगे सर, इलेक्ट्रोमैग्नेट मूविंग क्वाइल इंस्ट्रूमेंट, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट मूविंग क्वाइल इंस्ट्रूमेंट, तो उसके अंदर यही मैकेनिज्म होता है, एक एग्जांपल भी हो गया सेट। जब हम ईएमएमसी पढ़ेंगे तो यही स्टडी होगा, उसमें दो क्वाइल आपको दिखेंगे, हो सकता है अगर वाटमीटर बना तो सप्लाई दोनों में अलग अलग दिखेगा, है ना, अगर एमीटर वोल्टमीटर बना तो सेम सप्लाई का कनेक्शन होते हैं सीरीज में। ओके नाउ आगे मैं चर्चा थोड़ा कर लूं, ईएमएमसी भी कोई बच्चा अगर कंफ्यूज करता है तो इसी का दूसरा नाम होता है ईडी टाइप, ईडी टाइप इंस्ट्रूमेंट, यानी इलेक्ट्रोडायनामीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट, यानी इलेक्ट्रोडायनामीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट, यही तो है, यही है इलेक्ट्रोडायनामीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। ओके चलिए, तो यह भी तरीका आपको पता हो गया होगा, बोलिए पता है कि नहीं, एक बार बोलिए क्लियर है कि नहीं, कितने को क्लियर है एक बार बताएंगे, सभी सभी को क्लियर है कि नहीं एक बार बताएंगे, क्रेजी अक्की, ओके अभिषेक मिश्रा क्लियर है, हसर अली गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग अभिषेक, सोनू पांडे गुड मॉर्निंग, चलिए गुड मॉर्निंग इंजीनियर ग्रुप्स, क्लियर है पूनम, क्रेजी नितेश, यस सर क्लियर है, क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए माइंड में, ठीक है। तो चलिए ये भी तरीका क्लियर है, यानी कि अभी मैं किसका पढ़ रहा हूँ, मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, तो पहला डिफ्लेक्शन का ये तरीका, इंस्ट्रूमेंट में दूसरा डिफ्लेक्शन का तरीका ये रहा, दूसरा डिफ्लेक्शन का ये तरीका रहा, आप कह सकते हो TD इसी कारण डेवलप होगा, TD इसी कारण डेवलप हुआ। सर थर्ड वन एक और टॉर्क बता दीजिए, तो ये सब मैकेनिज्म है आपको बहुत हद तक पता चल गया, एक और मैकेनिज्म बता देता हूं, चलिए सी ना, करंट कैरिंग कंडक्टर इंटरैक्ट, होने करंट कैरिंग कंडक्टर इंटरैक्ट विथ अ डिस्क होने करंट कैरिंग कंडक्टर इंटरैक्ट विथ अ डिस्क, देन अ टॉर्क डेवलप्ड ऑन इट, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर करेंट कैरिंग कंडक्टर इंट्रैक्ट विथ अ डिस्क देन इट प्रोड्यूस या डेवलप ए टॉर्क। ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, तीसरी चीज समझिए, यहां पे एक करंट कैरिंग कंडक्टर की बात होती है तो एक परमानेंट मैंने रख लिया, यानी यहां पे एक जो है टू करेंट कैरिंग कंडक्टर और दूसरे मैकेनिज्म भी कह सकते हैं, व्हेन ए करेंट कैरिंग, व्हेन एनी टू करेंट कैरिंग, यहां पे टू वर्ड यूज करता हूं मैं, है ना, वन टू करंट कैरिंग कंडक्टर इंट्रैक्ट विथ अ डिस्क, अगर दो करंट कैरिंग कंडक्टर किसी डिस्क पे इंट्रैक्ट होता है तो इससे भी उस डिस्क पर, क्योंकि फ्लक्स करंट उत्पन्न होता है तो फिर फ्लक्स उत्पन्न होता है, यानी फ्लक्स के कारण करंट और उससे भी टॉर्क उत्पन्न होता है, जो कि एनर्जी मीटर में आपको पता है कि ये सारा चीज लगता है। तो अगर मैं बात करूं ना कि कहते क्या है कि अगर कोई पोल है, यहां पर आपने सप्लाई दिया हुआ है, ओके और एक और पोल का आप निर्माण करिए, पोल किस सेंस में, आप सप्लाई देके, है ना,
एक और मान लीजिए आपने किया, अगर इसको किसी डिस्क पे इंट्रैक्ट करिएगा, अगर कोई मान लो एल्यूमिनियम डिस्क, जैसे एनर्जी मीटर इसी पे काम करता है, मान लो इस पे आपने इंट्रैक्ट कराया, तो एक करंट आपने यहां दिया और दूसरा करंट यहां दिया, दो करंट कैरिंग कंडक्टर, ये क्या किया, फ्लक्स प्रोड्यूस कराया और इंट्रैक्ट किया ये फ्लक्स इस डिस्क पे, मान लो ये एल्यूमिनियम डिस्क है, ये क्या है जी, एल्यूमिनियम डिस्क है, आपने इस बार इस पे इंट्रैक्ट कराया और इसके फ्लक्स से एक और फ्लक्स यहां पर इंट्रैक्ट कराया, मतलब दोनों कॉइल अलग अलग है ना, एक में सप्लाई दिया ये फ्लक्स प्रोड्यूस किया नीचे की ओर गया, फ्लक्स एन टू एस, मान लो फ्लक्स क्यों है आपको हुआ सर, यहां मान लो आप एन प्रोड्यूस किया तो एस होगा, तो एन टू एस फ्लक्स उत्पन्न हुआ था, इसका फ्लक्स मैं बोल रहा हूं। सिमिलरली आपने यहां भी एक करंट सप्लाई दिया और यहां भी मान लो मैं कहता हूं एन टू एस फ्लक्स उत्पन्न हुआ, तो ये इसका भी फ्लक्स अपना चलेगा, तो ये एक फाइ वन और इसके कारण फाइ टू, इसके कारण भी डिस्क पे क्या होता है, एक इंट्रैक्शन होता है दोनों फ्लक्स का और वो प्रोड्यूस करता है करंट, और इसी कारण इस डिस्क में भी रोटेशन आ जाता है, इस डिस्क में भी एक टॉर्क डेवलप होता है और वो डिस्क घूमना शुरू कर देता है। तो थर्ड वन एक और पॉइंट है कि और एक मैकेनिज्म है जिससे हम टॉर्क उत्पन्न करा सकते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर, अगर दो अलग अलग वाइंडिंग्स को किसी फ्लक्स किसी डिस्क पर इंट्रैक्ट कराया जाए तो वो डिस्क जो है अपने आप मोशन देगा, ये भी एक तरीका है, तो इसी को बोलते हैं हम क्या, ये भी डेवलप टॉर्क कर रहा है, सो ये भी आपको दे रहा है टीडी, ये भी क्या दे रहा है जी टीडी, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ये भी देगा। राधे राधे सर, सारे टॉपिक के क्लास होंगे यूट्यूब पर मेजरमेंट का जी, नहीं जो इंपॉर्टेंट है मैं उन सेगमेंट को डील कर देता हूं, बेसिक से लेके पीएमएमसी स्टडी कर दूंगा, एमआई स्टडी कर दूंगा, एडी टाइप स्टडी कर दूंगा, वाट मीटर कर दूंगा, एनर्जी मीटर कर दूंगा, और बाकी है तो बहुत सारा चीज, क्योंकि अपने आप में सीआरओ है, एरर है, उसके बाद आप बात करोगे तो फिर ट्रांसड्यूसर है, तो पहले हमारे पुराने लेक्चर भी बहुत सारे आपको पड़े हुए मिलेंगे, उसके बाद अगर बात करें तो रेक्टिफायर है, टीएचडी है, हार्मोनिक सिग्नल है, तो बहुत सारा चीज है, उतना नहीं कर पाएंगे, पर हाँ हम मैक्सिमम चीजों को कवर करेंगे शुरू से इंस्ट्रूमेंट में, कम से कम हमारा ये लगा लो मेजरमेंट में भी मैं आपका बेसिक पूरे चीज क्लियर कर दूंगा, उससे आगे कुछ भी पढ़ो हर चीज आपको क्लियर रहेगा, बाकी चीज के लिए आपका भी सहारा लीजिए, ठीक है। चलिए सर, चलिए चलिए चलिए, सो ये भी एक तरीका है, सो मैं कह सकता हूं, तो ये तरीका सर आप देखोगे एनर्जी मीटर में कुछ इसी तरीके का इस्तेमाल किया जाता है, एनर्जी मीटर में भी टॉर्क उत्पन्न कराने का यही एक तरीका है जो यूज किए जाते हैं, है ना। अगर बात करोगे इंडक्शन प्रोसेस, है ना, इंडक्शन प्रोसेस होता है यहां पर, सो तो ओवरऑल हमने क्या देखा कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, चाहे पीएमएमसी हो, ईडी टाइप हो, एमआई हो, या और भी कोई भी टाइप हो, सब में ये तीन टॉर्क दिखेंगे, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क एंड डैम्पिंग टॉर्क। और ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस कराने के जो मेन तीन तरीके और भी हो सकते हैं, जो मेन तीन तरीका है आपको पता लग रहा है कि अच्छा टॉर्क जैसे ही सप्लाई देता हूं तो टॉर्क उत्पन्न करने का ये तरीका है, जैसे ही सप्लाई देता हूं टॉर्क उत्पन्न करने का वो दूसरा तरीका है, जैसे ही सप्लाई देता हूं तो टॉर्क सबसे पहले डिफ्लेक्शन होता है, और ये तरीके हैं जो इंस्ट्रूमेंट में यूज किए जाते हैं। तो ये तो हुआ बेसिक चीज किसके रिगार्डिंग, डिफ्लेक्टिंग के रिगार्डिंग। अब पढ़ेंगे कि इंस्ट्रूमेंट में कंट्रोलिंग टॉर्क होता है, क्योंकि अपन तो घुमाते नहीं है ना जी, इसको घुमाते तो नहीं है कि इसका घुमा, अगर इसको घुमा कर मोटर बना क्या करेंगे, इसको तो रोकना है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जहां पे आपको वैल्यू रीड करके बताने वाला है। ओके, तो अब बात रही सर क्या स्प्रिंग ही एक मेथड है जो रोकता है, हम बोलेंगे नहीं, और भी ऐसे मेथड है जो इसको रोकने का काम करता है, तो उसकी स्टडी करते हैं, दैट इज कंट्रोलिंग टॉर्क किसी इंस्ट्रूमेंट में कैसे उत्पन्न करते हैं। चलिए सर, ऑफलाइन क्लास कब शुरू हो रहा है यही बेमानी हो जाती है बोल के, सो मैं आप बोलूंगा नहीं, जब तक शुरू नहीं होगा तब तक बोलूंगा नहीं, है ना। मैं बोल रहा था लास्ट क्लास भी जल्दी करूंगा, पर वो अभी प्लान थोड़ा डिसमिस है ना, अभी नहीं होगा, कुछ वक्त लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कामों में एंगेज हूं, है ना, इसलिए थोड़ा वक्त लगेगा। चलिए जी, मशीन फिर से कंटिन्यू करिए चलिए जी, चलिए चलिए नो, अब पॉइंट मैं देखता हूं, दूसरा पॉइंट
ऐसे कौन से मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म जो इंस्ट्रूमेंट में यूज किए जाते हैं, यूज्ड टू प्रोड्यूस कंट्रोलिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क इन इंस्ट्रूमेंट। अगर मैं बात करूं कंट्रोलिंग टॉर्क की, तो कंट्रोलिंग टॉर्क कौन सा है, यानी कहीं ना कहीं टीसी की बात की जा रही है। कंट्रोलिंग टॉर्क कौन सा है, टीसी है ना। अभी नहीं, शिवम पूछ रहा है ना, मशीन एक ग्रंथ अभी कंटिन्यू नहीं होगा, अब मेजरमेंट कंप्लीट होगा देन डीसी मशीन चलेगा, थोड़ा वक्त लगेगा है ना। बुक कब आ रही है, अभी नहीं आ रही है ना। चलिए 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 पहले बात कर लेते हैं, आ जाएगी तो आपको अनाउंस हो ही जाएगा, आके मैं छुपा के थोड़ी ना रखूंगा, बताओ। चलिए जी, अब इस टाइप के टॉर्क यानी टीसी को कैसे डेवलप किया जाए, कंट्रोलिंग टॉर्क मशीन में, इंस्ट्रूमेंट में कंट्रोलिंग टॉर्क कैसे उत्पन्न कराते हैं, इन सारी चीजों की चर्चा एक बार कर लेते हैं। तो सबसे पहले पहला टर्म इसके अंदर आएगा बाय यूजिंग स्प्रिंग। अब यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रहे, अभी जो मैं कराऊंगा ना, यहां से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में, कंपिटेटिव एग्जाम में बड़ा फ्रिक्वेंट धड़ल्ले से पूछे जाते हैं। ओके, तो इनका ध्यान रखना, खासकर कंट्रोलिंग टॉर्क मैकेनिज्म में है ना। आइए, बाय यूजिंग स्प्रिंग, तो कहते हैं स्प्रिंग जो है दो तरीके से होते हैं। अगर मैं बात करूं स्प्रिंग की, अगर मैं बात करूं स्प्रिंग की, पहले तो इसको छोटा कर लूं, ये स्पेस को घेरता है, पहली बात। तो स्प्रिंग की अगर चर्चा की जाए तो स्प्रिंग क्या कर रहा है जी, स्प्रिंग है कितने तरीके की। सर स्प्रिंग जो है ना मेनली दो तरीके के हैं, स्प्रिंग मेनली दो तरीके के हैं। कौन कौन से तरीके हैं सर इसके, पहला होता है हेलिकल स्प्रिंग, हेलिकल स्प्रिंग, और दूसरा कौन सा स्प्रिंग होता है अगर आपने करा है, तो दूसरा होता है हमारा अस्फेरिकल टाइप स्प्रिंग। एक तो स्फेरिकल टाइप होता है और दूसरा हेलिकल टाइप होता है, पहला स्फेरिकल टाइप होता है और दूसरा हमारा जो होता है वो स्फेरिकल, पहला हेलिकल और दूसरा स्फेरिकल। सर ये हेलिकल और स्फेरिकल क्या होते हैं, तो पीएम हमारे इंस्ट्रूमेंट में मोस्ट ऑफ द केस हमेशा यूज किए जाते हैं स्फेरिकल टाइप, हमेशा कैसा यूज किया जाता है जी, स्फेरिकल टाइप। आइए स्फेरिकल टाइप की अगर बात करूं और हेलिकल टाइप की बात करूं, तो इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते तो मामला सही बैठ जाता। वेट अ सेकेंड, यहाँ स्पेस ही कम पड़ेगा इसको। चलिए जी सर देखिएगा यहाँ पे इसको अच्छे से, हेलिकल टाइप स्प्रिंग की अगर चर्चा की जाए तो हेलिकल टाइप का स्प्रिंग ऐसा है जो बाइक वगैरह में देखते हो ना, उसको सोकर वगैरह बोलते हो है ना, हेलिकल टाइप का स्प्रिंग ऐसा होता है, हेलिकल टाइप का स्प्रिंग ऐसा होता है जो कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। अगर यहां से यहां मैं बोलूं एक्स की दूरी है, हेलिकल टाइप का स्प्रिंग की बात करूं और यहां मैं बोलूं एक्स कंप्रेशन होगा, यहां टोटल दूरी वाई है और कंप्रेशन एक्स में है, तो देखिएगा जितना कंप्रेस होगा टॉर्क उसी का प्रोपोर्शनल होगा, टीसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स।
यहां पे समझिए, ये स्प्रिंग हेलिकल टाइप होता है, इसका इंस्ट्रूमेंट में यूज नहीं होता। ये बाइक वगैरह देखोगे या आप पहले एक हमारे यहाँ पेन आते थे है ना, उसको ऊपर से दबाते थे तो वो टाइप का जो स्प्रिंग देखो ना, ऐसे ऐसे होता है। तो कंप्रेस जब करते हो ना तो वहां टॉर्क जो है वो कंप्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये जितना दबाओगे उस पे टॉर्क उतना ऊपर की ओर धकेलने की कोशिश करेगा, मतलब जितना ये कंप्रेस होगा उतना धकेलेगा। तो कहीं ना कहीं ये लीनियर है, एक्स डिस्प्लेसमेंट जितना बढ़ेगा उस स्प्रिंग पर टॉर्क उतना ही बढ़ेगा। सर इस टाइप के टॉर्क स्प्रिंग में ये पूछेगा नहीं, ये हेलिकल, कई बार आपको अगर दिमाग में रहने के लिए बताया हूं, एग्जाम में तो अपना ये आता है, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट में ये होता है, ठीक है ना। अब मैं बात करूं यहां पे सर, एक्स अगर बढ़ेगा तो टीसी बढ़ेगा, एक्स अगर बढ़ेगा तो क्या होगा टीसी बढ़ेगा, एक्स अगर बढ़ेगा तो क्या होगा टीसी बढ़ेगा, ठीक है। चलिए तो पहला तो हेलिकल हुआ गया, तो यहां पे एक्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। चलिए पीयूष गुप्ता कह रहे हैं कि सर आधा अधूरा पढ़ा के मत छोड़िए सर प्लीज, कहा पूरा ट्रांसफॉर्मर मैंने टॉपिक उठाया था पूरा ही कंप्लीट किया, नेटवर्क हमने उठाया 93 लेक्चर पढ़ाए, कहां अधूरा कराया, टॉपिक उठाया ट्रांसफॉर्मर मैंने पूरा करा है। अब ऐसे नहीं तो पूरे मशीन करा तो कैसे काम चलेगा बताओ, अगर मैं ऐसा ही कर दूं तो फिर क्या बात हो गई बताओ, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं हो पाता। आप ही सोचो फिजिबल कभी है ना, या तो फिर हटाना पड़ता है वीडियो, पूरे कराओ तो कभी हटा दो, ऐसे ही काम चलते हैं, मैं हटाता नहीं कि चलो देख लो है ना। अब शायद जाके आपका सर्किट के कुछ वीडियो हटे, कितने दिनों तक हमने फ्री करवाया था, ठीक है ना, अब जाके सर्किट एक सागर का वीडियो प्राइवेट हो रहे हैं, नहीं तो पहले मैंने बहुत दिन तो कराया, तो अब क्या, एक तो लैब फ्री पढ़ा दिया, इतना दिन छोड़ दिया, अब क्या कराऊं बताओ। ऐसे ही अभी मेजरमेंट करवा रहा हूं, तो मेजरमेंट में भी जितना बेसिक टॉपिक है वो मैं कवर करा देता हूं, फिर कंप्लीट ही कराऊं तो कौन फिर पढ़ेगा मेरे से, है ना। तो ये तरीका होता है, वे होते हैं, सो हर चीज नहीं करा सकता है ना, या फिर प्रॉपर अरेंजमेंट से नहीं कराए, आज 10 दिन ये करा दिया, कोई सीरीज नहीं है, कौन आपको ढूंढने में इतने परेशानी हो जाएगी कि ये ढूंढते ढूंढते थक जाओगे, ऐसा भी नहीं करता, पूरा प्रॉपर अरेंजमेंट से कि देखिए ये सीरीज होता है और इस तरीके से पढ़िए, ठीक है। तो जो मैं कराता हूं वो आपके लिए बहुत मच मोर सफिशियंट होता है, उतना तक तो आप मत पढ़िए, फिर आगे चाहे कुछ भी पढ़िए, या कहीं भी पढ़ते उतना अगर पढ़े हुए हैं तो आंख बंद करके सोचिए कि वो सब आपको क्लियर होता जाएगा, ठीक है। सर डीसी मशीन पढ़ा दीजिए, डीसी मशीन अब ऐप पर अभी फिलहाल यूट्यूब पे नहीं होगा, ऐप पर होगा डीसी मशीन, जो है वो क्लियर बोलता हूं है ना, कहीं कि यूट्यूब के भरोसे बैठे रह जाए ऐसा नहीं है, वो ऐप पर होगा। अब धीरे धीरे आपके ऐप पे भी बहुत सारे कंटेंट अपडेट हो रहे हैं तो वहां पर चीजें चलेंगी, ठीक है ना। चलिए आज स्फेरिकल टाइप का क्या होता है, सर स्फेरिकल टाइप का मशीन की अगर चर्चा मैं करूं तो ये रहा आपका स्फेरिकल टाइप, इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट जो ये जो रहा आपका स्फेरिकल टाइप का स्प्रिंग हॉर्न। अब ये कैसे चलता है जी, अगर मान लो अभी मैं एकदम प्रैक्टिकली चीजें बताऊंगा, यहां देखिए इसमें जो डिफ्लेक्शन होते हैं वो थीटा एंगल से होते हैं, इसमें जो डिफ्लेक्शन होगा वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा जी, बिल्कुल थीटा एंगल से। देखिए आपने कभी बचपन में बच्चों के गाड़ी देखे होंगे, आइए मैं एक बार बताता हूं, चलिए एक छोटा सा कोई भी गाड़ी समझ लो इसको है ना, कोई भी गाड़ी समझ लो इसको, स्टेयरिंग भी दे देता हूं यहां पे। सो अगर आप बात करोगे तो इस बच्चों के गाड़ी में क्या आपको देखने को मिलता था, सर चाबी, इससे क्या करते थे घुमाते थे। अब देखना इस बच्चों के गाड़ी को जब आप चाबी देते थे तो यहां जो स्प्रिंग था रखा हुआ वो हो जाता था कंप्रेस, वो क्या होता था टाइट हो जाता था, यानी जितना आप उसको घुमाते हो ना वो उतना ही कंप्रेस हो जाएगा, कंप्रेस होगा तो इसमें एनर्जी स्टोर हो चुका है, अब वो फैलने की कोशिश करेगा, क्या करेगा धकेलेगा। सो आपने क्या किया, इसको एनर्जी जब दिया तो थीटा के एंगल में दिया, कैसे एंगुलर आपने मूव कराया, तो इसमें जो मूवमेंट आया जो ये
टाइट हो रहा था वो थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग, और सिमिलरली उस पे एनर्जी स्टोर हो रहा था टॉर्क। यानी अगर आपका थीटा बढ़ रहा है तो उसका टॉर्क भी बढ़ रहा है, नहीं तो आप अगर नहीं उसको मेढ़े हुए तो वो क्या स्वतंत्र अवस्था में, फिर वो टॉर्क अपने आप डेवलप नहीं करेगा। जब आप उसको कंप्रेस कर रहे हो तब वो टॉर्क बिल्डअप, मतलब आपका थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर थीटा आप घुमाओगे एंगल में घुमा रहे हो तो उस पर एनर्जी स्टोर हो रहा है, वो रिपेल कर रहा है, आप धकेल रहे हो वो रिपेल कर रहा है। सो थीटा बढ़ता है तभी टीसी बढ़ता है, ऐसा नहीं है कि थीटा बढ़ाऊंगा तो इसका टॉर्क घटेगा, ऐसा नहीं। जैसे थीटा बढ़ाते जाते हैं ना टॉर्क वो धकेलेगा, रिपेल करने की कोशिश करेगा। सिमिलरली इसीलिए समझिएगा, यहां से समझना आपको, आइए ध्यान से समझिए। सर मेरे को पूरा करा दीजिएगा, बाकी हम आप ऐप पढ़ लेंगे अभिषेक। बिल्कुल मैं बेसिक हर चीज करा दूंगा, किसी मेजरमेंट के अंदर तीन बेसिक इंस्ट्रूमेंट, ये सारे चीज बेसिक चल रहा है। पीएमएमसी एकदम इतना करा दूंगा कि कभी जिंदगी में पीएमसी नहीं पढ़ना पड़ेगा। एडी टाइप इलेक्ट्रोडायनेमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट इतना बेसिक करा दूंगा कभी जिंदगी में नहीं पढ़ना पड़ेगा। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इतना करा दूंगा कभी नहीं फिर पढ़ना पड़ेगा, इस लेवल का करा दूंगा, है ना। नहीं तो मेजरमेंट कराने में बहुत टाइम लगेगा अपने आप में, है ना। सो अगर मैं बात करूं सर, जितना हो सके पॉसिबल मैं करता हूं, आपको पता है कि किस तरीके से मैं टाइम निकाल के करता हूं। चलिए हाँ सर, ये थीटा जो डिफ्लेक्शन होगा ना, अगर आपने चाबी दिया तो ये डिफ्लेक्शन हमेशा किस में होता है, थीटा में। किसी पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में जब पॉइंटर घूमता है तो स्प्रिंग जो है कंप्रेस होता है, तो थीटा के रूप में ही एंगल में एंगल ये घुमा तो कंप्रेस किस में होगा, थीटा में। सपोज दैट यहां समझिएगा, यहां देखिए ये जो है, ये अगर आपने सप्लाई दिया तो पहला काम क्या हुआ, यहां सप्लाई दिया तो ये आगे की ओर बढ़ा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, एंगुलर डिस्प्लेस हो रहा है। तो इसके अंदर में जो स्प्रिंग है वो टाइट हो रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं, टाइट यानी कंप्रेस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये यूज हो रहा है, थीटा अगर रिफ्लेक्शन होगा तो ये कंप्रेस होंगे। तो थीटा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जी, थीटा किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा सर, कंट्रोलिंग टॉर्क के। थीटा किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा जी, कंट्रोलिंग टॉर्क के। यानी यहां एक्स नहीं, यहां डिस्प्लेसमेंट यहां है, ये लीनियरली चल रहे, ये एंगुलर चल रहा है, ये लीनियर चल रहा है। यहां पे काम किसका है सर, लीनियर का, है ना। यहां लीनियर स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहां एंगुलर वे में चल रहा है, तो एंगुलर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिस। अब यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है, डायरेक्ट पूछता है, क्या क्वेश्चन है, आइए। सर आप क्लास एबिलिटी कर सकते हैं ऋतुराज, यही तो नहीं हो पाता, मैं एक अल्टरनेट निकाल रहा हूं, है ना, एक आपको दे रहा हूं, दूसरा फ्री क्लास हम आईटीआई वालों को दे रहे हैं, है ना। वो बड़ी मुश्किल से टाइम निकालता हूं, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे मेरा वर्क चलता है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे काम करता हूं, तो पूरा शेड्यूल समझो मेरा दिमाग इसी चीज में उलझा रह जाता है पूरा दिन, कहीं क्वेश्चन के प्रैक्टिस चल रहे हैं, कहीं कुछ चल रहे हैं, कहीं सेमेस्टर का चल रहा है, कहीं, आपको पता है इंजीनियर्स ग्रुप पे जो है सेमेस्टर के बच्चों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं, कि सेमेस्टर में उसकी इतनी अच्छी तैयारी हो जाए कि वो कंपटीशन में आने के लिए बस पॉलिश लगाए तो उसकी तैयारी हो जाए। तो सेमेस्टर में काफी हार्डवर्क उधर भी कर रहा हूं, सो काम अलग अलग जगह, कहीं और भी प्लेटफॉर्म पे है, कहीं और भी है, तो इस तरीके से होता, वक्त नहीं मिलता खुद के लिए। बस पहले भी संडे में मैं इतना एंगेज होता था, इस पहले बार संडे था कि मैं संडे को कंप्लीट छुट्टी रखने की कोशिश किया, लेकिन रात में मुझे याद आया कि आप लोगों के साथ मुझे मीट टुगेदर भी करना होता है, तो रात में 10 बजे का क्लास, 10:30 बजे आप लोग के साथ आया था, आप लोग को अगर पता हो। सो ये सीन हो जाता है, तो ये वो संडे मैं अब थोड़ा फ्री रखने की कोशिश कर रहा हूँ, चलिए वो भी रात को आपके साथ रहता हूँ, ठीक है। मेरा ड्रीम है मैं आपके जैसा टीचर बनूं, अभिषेक मिश्रा, बिल्कुल बिल्कुल, पूरा बनिए, प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, आराम से बन सकते हो, कोई टफ टास्क नहीं है। मैं भी बहुत बार बार पढ़ाते आया हूं, तो मैं आपके जैसा इस तरीके का हो गया हूं कि आपको समझा पा रहा हूं, है ना। मैं नहीं तो जब भी मैं नया था, अगर बात करो तो मुझे भी क्या आता था, नहीं मैं भी पढ़ता था भूल जाता था, पढ़ता था भूल जाता था, शुरुआत किया एंड तक गया, शुरू की चीज लगता था भूल गया। सो ये चीजें धीरे धीरे होती है, ग्रेजुअली होता है, और हर कोई कर सकता है, कोई बड़ा तोप नहीं है, कोई मैं रॉकेट साइंस नहीं हूं कि मैं एक अलग हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने भी आप ही के जैसे प्रैक्टिस किए, लगातार किए, तो चीजें मुझे आने लगी, और ये आपको भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए सो अगर यहां बात करूं टी से थीटा के प्रोपोर्शन है, तो मैं बात करूं कि थीटा अगर बढ़ा तो क्या बढ़ेगा, टीसी बढ़ा, तो यहां पे एग्जाम में क्या क्वेश्चन बढ़ता है, आइए यहां से एग्जाम में क्वेश्चन ये बनता है, आपको कहेगा, तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन क्या कहेगा, जैसे
टीसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है, तो इक्वल अगर करते हैं, अगर आप इक्वल करते हैं तो टीसी इज इक्वल टू केसी इंटू थीटा होता है ना। इसका इसको बोला जाता है स्प्रिंग कांस्टेंट। इसको यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है बार बार, इसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। इसको बोलते हैं क्या जी? स्प्रिंग कांस्टेंट। वेट अ सेकेंड, चलिए इसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। बीच बीच में कॉल आ जाते हैं तो डिस्टर्बेंस हो जाता है। चलिए इसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। तो आपसे पूछता है यूनिट ऑफ, एग्जाम में क्या पूछेगा बार बार आपसे? यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। क्योंकि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में स्प्रिंग का ही इस्तेमाल करते हैं, तो यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट बार बार आपसे पूछता है। तो सर आप बताइए कि केसी बराबर क्या हो जाएगा? सर केसी बराबर जो होगा ना, ये टीसी बटा थीटा हो जाएगा, टीसी बटा थीटा हो जाएगा। और सर आपको बताए टीसी जो है टॉर्क का यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर। क्या होता है? न्यूटन मीटर बटा रेडियन। ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछता है, न्यूटन मीटर बटा रेडियन, ये याद रखना, आपको ये चीजें बार बार पूछता है। ओके, ये किसके लिए बता रहा हूं मैं? सर स्प्रिंग के लिए, ये स्प्रिंग के लिए बता रहा हूं, है ना। इसमें डिफ्लेक्शन हमेशा कैसा दिखता है जी आपको? थीटा में कैसा दिखता है? अगर स्प्रिंग को आपने थीटा से कंप्रेस किया तो इसके रिस्पेक्ट में दिखता है। कई बार आपसे एग्जाम में यह भी पूछता है कि स्प्रिंग किस चीज का बना होता है, तो यह भी ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो सर फॉस्फर ब्रॉन्ज का। फॉस्फर ब्रॉन्ज का आपके एग्जाम में यह भी पूछता है कि यह जो बनता है सर, अभी से पूछ रहा यू आर ए गुड संतोष गाय, यू आर गुड टीचर सर, बेसिक क्लास लेना है। बिल्कुल जी, आपने पहला क्लास लिया था तो घबराया था, बिल्कुल सब घबराते पहला क्लास, लेकिन आप हमारे फर्स्ट क्लास को देख सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पे। अब मेरे बहुत आज से दो साल पहले, ढाई साल पहले जब मैं लाइव में, ऑफलाइन तो काफ़ी दस साल से पढ़ा रहा हूँ, लगभग दस साल नौ साल से ऑफलाइन, लेकिन ऑनलाइन देखो ढाई साल पहले तकरीबन जब मैं जयपुर में था, है ना, और तब से और ऑनलाइन का काम कर रहा हूँ। तो आप देखना कि फर्स्ट क्लास कैसा था। आई होप ऑफलाइन पढ़ाते पढ़ाते इतना अनुभव हो जाता है कि ऑनलाइन में भी इतना फर्क पड़ता नहीं, है ना। पर हाँ ये है कि क्वालिटी डे बाय डे हर किसी चीज़ में इंप्रूव होता है। अब मैंने आपको बार बार बताया कि सचिन तेंदुलकर जब अपना आखिरी मैच भी खेल रहा था, तो वो ग्राउंड में जाने के बाद उसमें घबराहट हो रही थी, उसको लग रहा था कि आज भी वही अनुभव, क्योंकि एक इन्वायरमेंट सर्कमस्टेंस इस तरीके से होते हैं कि हमेशा एक चैलेंज आपको महसूस होता है। बाकी ऐसा धीरे धीरे जो है अनुभव वो पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा राइज करता है। ठीक है, चलिए जी। रॉक चैनल, प्रणाम जी, प्रणाम। सो दिस इज ऑल अबाउट क्या सर? ये स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में हमने डिस्कस किया। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनका भी ख्याल रखना। ये दो पॉइंट्स हैं, ये दो पॉइंट्स हैं सर, फॉस्फर ब्रॉन्ज और दूसरा न्यूटन मीटर पर रेडियन, यानी न्यूटन मीटर पर रेडियन। यूनिट से भी हम फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे, इसका मतलब टॉर्क बराबर कहीं ना कहीं फॉर्मूला क्या होता है? एफ इंटू एल, तभी तो न्यूटन है, एल क्या डिस्प्लेसमेंट मीटर है, तभी तो, यानी फॉर्मूला कई बार तो यूनिट से भी अपन निकाल लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, यानी टॉर्क बराबर क्या होता है? एफ इंटू एल। अगर किसी को दिमाग में ना रहे, टॉर्क बराबर सर होता है एफ इंटू एल, यह है टॉर्क। चलिए जी, क्लास काफ़ी देर का हो गया, टाइम भी एक्स्ट्रा हो गए, है ना। हम अब इसमें दूसरा तरीका क्या पढ़ेंगे सर? इसमें दूसरा पॉइंट क्या पढ़ेंगे ये लिख देता हूं मैं। नेक्स्ट इसके अंदर जो बी पॉइंट होगा, दैट इज ग्रेविटी कंट्रोल। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ग्रेविटी कंट्रोल। इसके बारे में भी एक एक चीज पढ़ेंगे, क्योंकि वर्ड है ग्रेविटी, ग्रेविटी नाम से ही पता चलता है। ग्रेविटी मतलब हमने फिजिक्स के अंदर पढ़ा है सर, जी वाली बात है, कहीं ना कहीं इसके अंदर जी वाली बात है, और उसी से इसको कंट्रोल होता है। वेट और
एम और जी का कहीं ना कहीं इसमें यूज होगा। सो इनकी चर्चा हम करेंगे कब सर? नेक्स्ट क्लास में, आज टाइम हो गया है ओवर, फिर मिलते हैं सर। न्यूमेरिकल कैसे करें सर? न्यूमेरिकल भी कराएंगे हम और आपको बुक्स भी बता देंगे, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दे देंगे, डोंट वरी। ओके, बॉदर बहुत ज्यादा नहीं होना है, हम अच्छे से करेंगे इसको, ठीक है। चलिए, आज क्लास काफी टाइम हो गया, बहुत बच्चे हैं, है ना, अलग अलग काम भी होते हैं, आप लोग के पास भी बहुत सारा काम है। थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम जी। सर मेजरमेंट में नेक्स्ट बना दीजिए, मैं एक्सपर्ट बना दीजिए, बिल्कुल। आप सबसे पहले सर्किट को अच्छा करिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, आप नेटवर्क को अच्छा करेंगे ना, सब सब्जेक्ट आपका अच्छा हो जाएगा, ऐसे ही अच्छा हो जाएगा। सो सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको लगाना है नेटवर्क पे, सर्किट थ्योरी नेटवर्क या बेसिक इलेक्ट्रिकल विथ थ्योरी उसी को बोल रहे हैं ना। उसके बाद आप एफर्ट्स लगाइए, अपने आप कम आसान होता जाएगा मशीन, उसके बाद आसान होता जाएगा मेजरमेंट, आसान होता जाएगा पावर सिस्टम, आसान बेसिक भी अच्छा हो जाएगा। अगर आप सर्किट अच्छा है तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक भी अच्छा होगा, एनालॉग भी अच्छा होगा, कैसे केबीएल लगाना है, कहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप है, कौन से इक्वेशंस है, वो आसान है। कंट्रोल सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है ना। चलिए जी, ठीक है, आज की क्लास को यहीं छोड़ते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर यू ऑल। ओके जी, जॉन, आई एम फ्रॉम ओडिशा। ओके जॉन, ओडिशा से भी एक था सुब्रत, सुब्रत ही सिलेक्टेड इन एसएससी जेई ऑल इंडिया रैंक 54, बहुत अच्छा बंदा था, लगातार टच में था और अच्छा किया। ओके, सर्किट थ्योरी नेटवर्क एनालिसिस कहाँ से पढ़े? अरे मैं पढ़ा रखा हूँ ना अमित कुमार, जाइए 93 लेक्चर कराया हूँ मैं आपके चैनल पे, एक बार जाइए प्लेलिस्ट में विजिट करिए, बहुत बेहतर तरीके से कराओ, है ना। या फिर ऐप में जा सकते हैं, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के ऐप पे हर एक कंटेंट आपको अवेलेबल है। इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के ऐप में कोर्स है, अभी ऑफर भी चल रहा है, उसका बेनिफिट उठा सकते हो। ओके, चलिए, 1,00,000 सब्सक्रिप्शन के पे हमने ऐसा ऑफर दिया है आप लोगों को। चलिए जी, थैंक यू। ओके, वेलकम।